आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 39वां अध्याय वचन 22 से 43। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। उन्होंने चौखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंग रखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियाँ और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की झांगियाँ और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैंजनी और लाल रंग की कढ़ाई का काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इसराइलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात घुंडियां, तख्ते, बेंडे, खंभे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और उसके सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत हौदी, खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियों और खूंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवा का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटा काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया।